इस तरह की घटनाएं होती है। देश में सभी को जीने का अधिकार है, देश संविधान से चलता है, संविधान के तहत उसको जीने का हक मिला है। मसीही समुदाय के अब उस तमाम चीजों में कुछ विध्वंसकारी ताकते हैं जिस तरह से तोड़ने का काम करते हैं। हाल के दिनों में जो छत्तीसगढ़ में आपने देखा, इस तरह छत्तीसगढ़ में लोगों ने वहाँ चर्च को तोड़ा, लोगों के साथ मारपीट किया, तो ये बिल्कुल कहा जाए कि ये मजहब की सियासत की, मतलब कहा जाए कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसे नफरत फैलेगा पूरा और लोगों में आप बांटने का काम करोगे, तो आप लोगों को बांट करके देश का विकास ले, देश में आप अमन चैन नहीं ला सकते। इसलिए लोगों में सभी लोगों को उनके संविधान के उनके हक अधिकार के तहत उसको जीने देना चाहिए। हाँ, धर्मांतरण भी हो, कहीं पर धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरण अपना इच्छा से होता है, अपने इच्छा होता है तो कोई बात, लेकिन किसी को ललच नहीं देते, किसी को बहला के फुसला के कहीं आप होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन भी जारी है और जैन का मानना है कि वो लोग तीर्थ स्थल ही नहीं रहने दे, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का टिप्पणी बयान आ चुका है, इसलिए हम राजनीतिक रूप से इसमें किस तरह का बोलना नहीं चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों का रखते हुए, भावना को कदर करते हुए सरकार की तरफ से इस पर बयान आ चुका है, अब सरकार को इसमें फैसला लेना है, इसलिए इसमें हमें लगता है किस तरह का बयान देना अनुचित होगा। लेकिन एक चीज़ तो आपको जानना होगा कि ये सही बात है कि आदिवासियों का भी ये जो तुम्हारा जो वहाँ मरण गुरु के रूप में वहाँ उसका पूजा स्थल है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तब है कि सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करने की जरूरत है ताकि एक आपस में मतभेद ना हो, लेकिन आदिवासी की भी भावना को समझने की आवश्यकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।